हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, और अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हो तो 16 अक्टूबर से आपके लिए फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको मिलेगी 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक की सेल, फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल। लेकिन फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रही है? दिवाली है 4 नवंबर को, 10 दिन पहले सेल खत्म हो जाएगी? गाइस, ये पॉसिबल नहीं है। जो हम लास्ट रिकॉर्ड देखते हैं 2-3 साल पहले का, तो बिग बिलियन सेल के बाद में आती है दशहरा सेल, उसके बाद में आती है बिग सेविंग डेज, और उसके बाद में आती है फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल। तो दशहरा सेल आई थी, अब जो नाम रखना था ना उनको, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज रखना था। लेकिन फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज क्या होता है, हर महीने वो नाम अनाउंस कर देते हैं, तो इसलिए उन्होंने नाम इस बार चेंज किया है, फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल। और वापस से फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल वापस से आ जाएगी, जो कि होगी 27-28 अक्टूबर से स्टार्ट होगी एंड 4-5 नवंबर तक जो है चलने वाली है। लेकिन गाइस, अभी जो फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल है ना, उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग ऑफर है। कौन से 5 फोन बेस्ट है जो कि आप इस वाले सेल के अंदर बाय कर सकते हो, मतलब इंटरेस्टिंग डील है। ऑलमोस्ट वही प्राइस है, कुछ एक फोन का प्राइस बढ़ाया गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग प्राइस है। गाइस, डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जो है जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, बात करते हैं top 5 best phone की, कि फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल के अंदर कौन से 5 फोन ऐसे हैं जो कि आप एक इंटरेस्टिंग प्राइस में बाय कर सकते हो। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ऑफर्स के बारे में। तो यहां पर SBI क्रेडिट कार्ड ऑफर में रखा है 10% के डिस्काउंट के साथ में। लेकिन गाइस, यहां पे मुझे लगता है कि काफी कम लोग जो है इस ऑफर का यूज ले पाएंगे, क्योंकि अगर यहां पे डेबिट कार्ड ऐड होता ना, तो शायद ज्यादा लोग इस ऑफर का यूज कर पाते। लेकिन अभी SBI क्रेडिट कार्ड है, तो मुझे लगता है कि काफी कम लोग इस ऑफर का जो है यूज कर पाएंगे। तो गाइस, नंबर 5 वाले फोन की बात करते हैं, वो है पोको का X3 प्रो। एक्चुअल कॉस्ट है 1899, लेकिन फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल, फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल, फ्लिपकार्ट की दशहरा सेल, उसमें आपको जो प्राइस मिल रहा था ना, वो है 1699। और गाइस, लिटरली 1699 के अंदर ये एक अच्छा फोन है। लेकिन गाइस, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक इंटरेस्टिंग डील है। 1699 के बाद में आपको ऑलमोस्ट 15,500 का ये फोन पड़ जाता है, और 15,500 में ये एक बेस्ट डील हम इसको बोल सकते हैं। जहां पर अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो स्नैपड्रैगन 860 जो कि एक फ्लैगशिप परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, एंड यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश मिलता है। डेफिनेटली गाइस, अगर उस प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं, तो हमें दूसरे ब्रांड सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। लेकिन गाइस, अगर एक ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं पोको X3 प्रो के साथ में, तो उस प्राइस सेगमेंट में एक ओवरऑल स्पेसिफिकेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। जहां कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो वो भी एक बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। 6000 mAh की बैटरी है, लुक वाइज भी एक अच्छा फोन है, ओवरऑल हम इसको एक गुड फोन बोल सकते हैं। आपको पड़ेगा 15,500 में, और 15,500 में गाइस, ये एक बेस्ट डील बन जाती है पोको X3 प्रो के साथ में। और गाइस, अगर वही हम बात करते हैं नंबर 4th फोन की, तो वो हमने रखा है सैमसंग ब्रांड के लिए। सैमसंग ब्रांड में मतलब बहुत सारे लोग लवर हैं कि हमें सैमसंग का ही फोन परचेस करना है, तो वहां पर हमने सैमसंग के 2 फोन रखे हैं, एक है 4G और दूसरा है 5G। यहां पर अगर आपको लॉन्ग टर्म फोन को यूज करना है, तो 5G कैटेगरी वाला एक अच्छा फोन बन जाता है सैमसंग गैलेक्सी F42। अगर आपको यहां पे 4G फोन चाहिए, तो है सैमसंग का गैलेक्सी F62। अगर आपको 5G प्रोवाइड करना है, 5G फोन लेना है, लॉन्ग टर्म यूज करना है, सैमसंग गैलेक्सी F42। मतलब ये कई दोनों ही एक अच्छे डिवाइस हैं, और दोनों का जो प्राइस सेगमेंट है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस सेगमेंट है। मतलब 1799 का है सैमसंग गैलेक्सी F42, और ऑलमोस्ट इतने का ही आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी F62, लगभग आपको 1899 का मिलेगा। और ये दोनों फोन का जो प्राइस बेंट है ना, उन दोनों में 1000 रुपए का फर्क है, एंड कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद में आपको लगभग जो है 16,500 को पड़ने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F42, और 17,500 को पड़ने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F62। गाइस, ये दोनों ही फोन एक इंटरेस्टिंग है। अगर हम F42 की बात करते हैं, तो डायमेंसिटी 700 चिपसेट यूज किया गया है, एंड एक ओवरऑल एक अच्छा फोन है, 5G कैटेगरी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे 12 5G बैंड देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म आपको फोन यूज करना है, तो ये एक 5G फोन एक अच्छा डिवाइस है सैमसंग की तरफ से। और अगर वहीं हम बात करते हैं कि आपको 5G अभी रिक्वायर्ड नहीं है, आप बोलते हैं कि यार मुझे एक अच्छे स्पेसिफिकेशन चाहिए, 4G डिवाइस चलेगा, तो गाइस सैमसंग गैलेक्सी F62 भी एक बेस्ट ऑप्शन है। जहां पर अगर चिपसेट परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो फ्लैगशिप चिपसेट आपको देखने को मिलता है एक्सिनोस का 9810। और गाइस, लिटरली ये जो चिपसेट है ना, परफॉर्मेंस के मामले में ऑसम है। मैंने पर्सनली इस फोन को यूज किया है, नो डाउट गाइस, मैंने अपनी पर्सनल सिम लगा के एक फोन को यूज किया है, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है सैमसंग गैलेक्सी F62। मैं बोलना चाहूंगा एक हाईली रिकमेंडेबल है। अगर आपका बजट है under 20K पर सेगमेंट में, आपको 5G फोन नहीं चाहिए, सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F62 एक अच्छा डिवाइस बन जाता है। और गाइस, वहीं हम बात करते हैं नंबर 3rd वाले ऑप्शन की। नंबर 3rd जो ऑप्शन है, वो है रियलमी का 8i। अब देखो, यहां पे प्राइस जरूर से कम है उसका, रियलमी 8i,
1299, लेकिन उस प्राइस सेगमेंट में गाइस एक बेस्ट ऑप्शन है। एक्चुअल कॉस्ट है 1399, ₹1000 का डिस्काउंट है 1299, और उसके बाद भी आपको ₹1000 का यहाँ पे प्रीपेड ऑफर मिलेगा। SBI क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो लगभग ये फोन आपको पड़ने वाला है ₹10800 के आसपास, और गाइस लिटरली 10800 में ना 10800-9000 का पड़ने वाला है। और उस प्राइस सेगमेंट में वीटेक का हेलियो G96 चिपसेट एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ओवरऑल गुड फोन है। जहां अगर कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो 50 MP में आपको यहां पे प्राइमरी कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मतलब गाइस एक ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस है। 5000 mAh की बैटरी है। नो डाउट गाइस उस प्राइस सेगमेंट में अंडर 11-12,000 rupees के प्राइस सेगमेंट में ये एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका 10-12,000 rupees का बजट है ना, तो गाइस उससे बेस्ट कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा Realme 8i से। हालांकि दूसरे ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन उस प्राइस में आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट देके एक अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना एक बेस्ट ऑप्शन है Realme 8i थर्ड नंबर के लिए। और गाइस बात करते हैं नंबर सेकंड की, तो वहां पर भी एक बेस्ट ऑप्शन है मोटो का G40 फ्यूजन। गाइस वहां पे प्राइस रखा है 1299, मतलब लगभग 1500 rupees का डिस्काउंट है एक्चुअल प्राइस से, और उसके बाद में आप कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो आपको फोन पड़ने वाला है लगभग 11500 rupees का। और उस प्राइस सेगमेंट में मैं बोलना चाहूंगा कि आपको एक तो बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड आपको मिल जाता है, मोटो की अच्छी एक ब्रांडिंग के साथ में एक अच्छी ब्रांड वैल्यू मिल जाती है। मतलब गाइस एक बेस्ट ऑप्शन बोल सकता हूँ। अगर कैमरा की बात करते हैं तो वहां पर है 64 MP का मेन कैमरा। अगर हम बात करते हैं इसका एक अपर ऑप्शन भी अवेलेबल है मोटो का G60, जिसका प्राइस रखा है 1499, मतलब 2000 rupees ऊपर है। फर्क क्या मिलता है, एक तो आपको 108 MP कैमरा मिलता है, मतलब कैमरा अपग्रेड है, एंड रैम वेरिएंट जो है बढ़ जाता है। लेकिन गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि 1299 के अंदर एक बेस्ट ऑप्शन है, जहां पर एक बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छा है 6000 mAh के साथ में, स्टॉक एंड्रॉइड आपको मिलता है, एंड 64 MP साथ में यहाँ पर कैमरा सेटअप है। नो डाउट प्राइस सेगमेंट 1299 में एक बेस्ट ऑप्शन है। और गाइस अगर बात करते हैं नंबर वन की, तो नंबर वन लिटरली वो नंबर वन वाला फोन है। एक्चुअल में क्या है, इसका नाम है Realme GT मास्टर एडिशन। हालांकि उसका प्राइस बढ़ चुका है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल से, लेकिन अभी जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, उसमें भी हम उसको नंबर वन ऑप्शन पे रखने के लिए रेडी है। वो इसलिए रेडी है, जो कि हमने फोन को यूज किया है ना, वो एक इंटरेस्टिंग डील है। एक्चुअल कॉस्ट है 2599 जब फोन लॉन्च हुआ था। अभी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल के अंदर 6000 rupees का इंस्टेंट डिस्काउंट था, मतलब कार्ड डिस्काउंट था, और उसके बाद में जो है बैंक ऑफर और भी लगा सकते थे, तो इंटरेस्टिंग डील पड़ रही थी। मतलब लगभग 18500 का आपको भी फोन पड़ रहा था, और आपके पास फ्लिपकार्ट का कार्ड था एक्सिस बैंक वाला, तो लगभग 17500 rupees पड़ रहा था। लेकिन आज की तारीख में आपको फोन पड़ने वाला है लगभग 20500 rupees का कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद में। लेकिन गाइस उस प्राइस सेगमेंट में बोलना चाहूंगा कि एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे Realme का GT मास्टर एडिशन। जहां अगर चिपसेट परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो 5G कैटेगरी का चिपसेट है स्नैपड्रैगन 778G, एंड यहाँ पे 4300 mAh की बैटरी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस के मामले में गाइस लिटरली जो है बेस्ट डिवाइस है। मैंने इसका डिटेल फुल रिव्यू किया है, अगर आपको देखना है तो जरूर से आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जरूर से वहां पे जाकर देखना। लेकिन गाइस पहले प्राइस पड़ा था लगभग 17500 rupees का एक्सिस कार्ड के थ्रू, लेकिन अभी की बात करते हैं तो SBI कार्ड के थ्रू आपको पड़ेगा लगभग 20500 rupees का। उस प्राइस सेगमेंट में भी जो है 20500 में भी एक अच्छा डिवाइस है। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या मानना है, फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल अच्छी है, या फिर आपने ऑलरेडी परचेसिंग कर ली है, या आप और एक और नेक्स्ट सेल का वेट करेंगे। जो भी हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।